नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांजन। मैं आ गया मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके। जैसा कि थोड़ा एक ब्रेक लेके फिर से मैं आ चुका हूं कोलकाता कार बाजार में, ईएम बाइक बस वाला ब्रांच में, जहां होता है बहुत सारा गाड़ी, एकदम मिड वेरिएंट का गाड़ी हम लोगों को ज़्यादातर इधर देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा कंडीशन में होता है और इसका प्राइस भी बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत ही कम्पिटिटिव होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो लास्ट बार था मेरे साथ देवू, आज मेरे साथ जुड़ जाएंगे पोलोमी। पोलोमी, वेलकम टू माई चैनल। हाय, थैंक यू। तो आज कैसा कलेक्शन देखने को मिलेगा, और उसके पहले एक बार लोकेशन बोलिए। लोकेशन है उत्तर पंचानन आफ्टर रूबी। ये है गेम बाईपास में, लोकेशन है उत्तर पंचानन, संजय चोला रेस्टोरेंट के ठीक ऑपोजिट में आपको मिलेगा, कोलकाता कार बाजार। और ये मतलब कैसे कैसे आज कलेक्शन देखने को मिलेगा, और मतलब कोविड सिचुएशन, हम लोग कैसे, आप लोग कैसे प्रोटेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग ऐसे ही प्रोटेक्शन मेंटेन कर रहे हैं कि हर टाइम यू हैव टू यूज सैनिटाइजर, वेयर योर मास्क प्रॉपरली, ठीक है। गाड़ी भी आप लोग मतलब सैनिटाइज करके ही रखते हैं? हाँ, सब गाड़ी हम लोग सैनिटाइज सब कुछ मेंटेन करके हम लोग रखा। तो बहुत ही बढ़िया है, आज कलेक्शन भी बहुत सारा गाड़ियों का दिखाने वाले हैं एक एक करके। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट गाड़ी दिखाने के लिए अब लोगों को दिखाने ले चलेंगे। तो बढ़ते पोलोमी, चलते हैं गाड़ी देखते हैं। सो हाय गाइस, यू कैन चेक XUV 500 है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही गुड लुकिंग कार है, बहुत ही सुंदर है, और इसका मतलब ये सिल्वर कलर का है। किलोमीटर जस्ट है 67 किलोमीटर ड्राइवर ना, ठीक है। 67,000 डीजल कार है, कितना मतलब कितना क्लासी कलर होता है ना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और टैक्स इसका पेड है 22 तक है। तो इसका प्राइस कितना होने वाला है पोलो में? इसका प्राइस आपको मतलब मैं जो बोलूंगी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। कितना कम होने वाला है आज के मतलब ऑडियंस के लिए, कोई स्पेशल कुछ ऑफर? हाँ, मैं आपको देखो, 5,80,000 है, ठीक है। 5,80,000 है, ओनली 5,80,000। कैन यू इमेजिन गाइस? और इसका मतलब आप यहाँ पे बैठ के, ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिए कार को, ठीक है, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लीजिए, ये आप ये बोलोगे। तो बहुत ही अच्छा प्राइस है, और थोड़ा बहुत ये सब प्राइस नेगोशिएबल भी है, मतलब 5,75,000-80,000 में मिल रहा है XUV 500, जो कि ऑलवेज डिमांड में रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे, होंडा सिटी। ये कौन सा मॉडल है, कौन सी ईयर का? ये SV मॉडल है, 2017 का मॉडल है, 17 का मॉडल है, और टैक्स पेड अप टू 2022, ठीक है। ये आपका मिलेगा ग्रे कलर का, ठीक है। और ये भी मतलब 2017 का गाड़ी है, मतलब सिर्फ 3-3.5 साल पुराना है, और 22 तक इसका टैक्स भी है। और कितना किलोमीटर चला होगा ये? 23,102 किलोमीटर। ओके, 23,000 किलोमीटर रन है, और उसके ऊपर मतलब सिर्फ 3 साल पुराना है, होंडा सिटी SV वेरिएंट है, मतलब ये मिड वेरिएंट में आता है। तो ये वाला ग्रे कलर में बहुत ही अच्छा कंडीशन में, मतलब कोई भी लेगा तो एकदम नया जैसा फील इसमें मिलेगा। बहुत ये बहुत वेल मैनर्ड कार है, बहुत गुड लुकिंग भी है। होंडा सिटी वी आर मतलब हम लोग तो होंडा सिटी चूज करते ही है, राइट? होंडा सिटी मतलब बहुत लोगों का पसंद होता है, और पसंद होता है, तो और इसमें आप लोगों को जैसे पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, पावर विंडो, और शायद फ्रंट टू एयरबैग्स भी है इसमें। हाँ, एयरबैग्स भी है। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? इसका प्राइस आपका हो जाएगा 6,99,000। तो ऑलमोस्ट 7 लाख की रेंज में आप लोगों को मिल रहा है होंडा सिटी, 2017 का मॉडल है, जिसमें मतलब नए में प्राइस तो इसका मतलब 14,000-15,000 होगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट। ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट, और बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, और आप कभी भी यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। एक बलेनो है, बलेनो जो कि ब्लू कलर का है, आप देख सकते हैं, ब्लू इज यू नो बॉयज फेवरेट कलर, आई मस्ट से। सो ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कार है, विथ 4 टायर्स, न्यू टायर्स, ठीक है, और कंडीशन बहुत ही अच्छा है कार का। कार किलोमीटर ओनली 24,000 ड्रिवन है, ओनली 24,000, और गाड़ी डीजल है, देख सकते हैं, सर्टिफाइड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी को आप चला के देख लीजिए। और तो ये डीजल बेलेनो है 2019 का, मतलब सिर्फ 1.5 साल पुराना गाड़ी है, और चला भी कम, 23,000 ओनली चला है। और ये अल्फा वेरिएंट है कि जेटा वेरिएंट है? ये जेटा वेरिएंट है, जेटा है। ओके, तो ये एकदम मतलब इसमें शायद पुश स्टार्ट नहीं है, पर वो छोड़ के एलॉयज, सभी फीचर्स, एयरबैग, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, सब कुछ
कुछ तो फीचर इसमें मतलब एक्सप्लेन करने का अलग से तो जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है बेलेनो एकदम मतलब मारुति का हॉट फेवरेट गाड़ी होता है। और इसका माइलेज भी अच्छा होता है, माइलेज भी अच्छा होता है सर। और मैंने तो जो आपको बोल ही दिया कि इसका किलोमीटर ड्राइविंग ओनली 23,000 है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा बोलो? प्राइस इसका हो जाएगा 6,19,000 ओनली। 90,000? नो, इट्स 19,000। यस, ये नेगोशिएट होके मतलब अगर 6 पे आ जाए, 6 या 6-10 पे, तो बहुत ही अच्छा मतलब प्राइस होने वाला है, क्योंकि बेलेनो का प्राइस अगर आप लोग अभी लेने जाएंगे तो वेटिंग पीरियड तो अलग से है ही, और ये वाले मॉडल का शायद मतलब 8 लाख के ऊपर मतलब इसका प्राइस होता है। चेक आउट दिस कलर, यू कैन फील इट, आप यहाँ पे फील कर सकते हैं, आप यहाँ पे आइए बैठिए इसको चलाइए, ठीक है। बहुत ही प्यारा कार है, ब्लू कलर में आएगा, बहुत ही शानदार है। गाइस सेंट्रो जिंग है, ठीक है, GLS मॉडल है, वेरियंट GLS है, व्हाइट कलर में है। तो इसमें GLS मॉडल है, मतलब पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट टू पावर विंडो, और एसी तो इसमें मिल जाता है विद म्यूजिक सिस्टम। अब लोग इंटीरियर भी देख लिए, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर में है, और 2023 तक टैक्स पेड है, 23 तक, मतलब ये 13 का गाड़ी है, 13 का गाड़ी है, हाँ। और टायर कंडीशन में तो देख के अच्छे लगता है, बहुत अच्छा है टायर, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, अलॉय व्हील्स है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसका क्या प्राइस हो जाएगा? इसका प्राइस आपको आ जाएगा 1,70,000। 1,70,000 में मिल रहा है सेंट्रो, मतलब सेंट्रो का प्राइस आप लोगों को 1 लाख में भी मिल सकता है, पर वो सब गाड़ी थोड़ा 2007-8 बहुत लोग सेंट्रो पसंदीदा होता है, तो ये लेटेस्ट मॉडल वाला सेंट्रो है, 13 का गाड़ी है, 23 तक इसका टैक्स पेड है, प्राइस होने वाला है सिर्फ 1,70,000। ये है हुंडई i10, ब्लैक कलर का है, कप्पा 2 मॉडल है, ठीक है, और इसका मतलब 11 का गाड़ी है, तो 26 तक टैक्स पेड है, हाँ 26 तक टैक्स पेड है, 26 तक कोई टेंशन नहीं है, शायद ये ओरिजिनल प्रिंट में ही है, हाँ। तो बहुत लोगों का ब्लैक और व्हाइट पसंद आता है, तो एकदम इंटीरियर भी एकदम फ्रेश कंडीशन में है, मैग्ना है, मतलब इसमें एसी पावर स्टीयरिंग और उसके साथ म्यूजिक सिस्टम भी इनबिल्ड है। इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस आपको हो जाएगा 2,29,000। 2,29,000 में i10 11 का 26 तक टैक्स मैग्ना मॉडल ब्लैक कलर में, बहुत ही बढ़िया है, चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी में। एंड i10 है, ये बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट है, ठीक है, और इसका ग्रे कलर में आएगा, एस्टा टॉप मॉडल है, और टॉप मॉडल है मतलब इसमें अलॉय व्हील्स और पुस्टार्ट भी है इसमें, हाँ, अलॉय व्हील्स टू सब कुछ है, और ये 16 का गाड़ी होने वाला है, 16 का कार है, और टैक्स अभी भी वैलिड है, 21 तक है, अभी भी है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आ जाइए, आ जाइए टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए, कोलकाता कार बाजार एकदम कारों का भंडार लगा रहता है इसमें, और आप लोगों का शायद और भी दो ब्रांचेस है उसमें भी हमेशा कार अवेलेबल रहते हैं। तो इस गाड़ी का प्राइस क्या हो जाएगा? ग्रैंड i10 2016 टॉप वेरिएंट, इसका प्राइस आ जाएगा आपका 3,80,000। 3,80,000 में ग्रैंड i10 सिल्वर कलर में, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, फॉलो मी, कोई भी अगर सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर अगर कॉल करेंगे तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट, तो ये सब हो ही जाएगा, हाँ वो तो हम लोग कर ही देंगे, अगर आपका कोई स्पेशल मतलब ब्लॉगर है, स्पेशल सब्सक्राइबर है, हम कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके थैंक यू, बढ़ते हैं और एक गाड़ी में, ये एक छोटा गाड़ी में आ जाते हैं, ये है स्पार्क है, पेट्रोल कार है, ब्रिज कलर है, LS वेरियंट है, ठीक है, और इसका किलोमीटर ड्रिवन है 64,200। ओके तो ये भी मतलब फर्स्ट ओनर है और 22 तक इसका टैक्स है, 22 तक इसका टैक्स है, और LS वेरिएंट है, मतलब इसमें फ्रंट टू पावर विंडो, एसी पावर स्टीयरिंग ये सब मिल जाता है, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है, डॉक्टर ड्रिवन कार है, डॉक्टर ड्रिवन कार, और उसके ऊपर सर्टिफाइड गाड़ी, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस आपका हो जाएगा 1,20,000 में स्पार्क आ जाएगा, मतलब 2012 का गाड़ी, 22 तक इसका टैक्स भी वैलिड है। तो छोटा गाड़ी जो जिन लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो सेंट्रो है, स्पार्क है, तो बहुत सारा छोटा गाड़ी में भी ऑप्शंस है, मिड रेंज में भी ऑप्शंस है। हुंडई जैज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मरून कलर का, एस वेरिएंट है, 2015 का कार है, वीटीईसी है और किलोमीटर ड्राइविंग है 45,200 समथिंग। ओके मतलब कम चला हुआ गाड़ी है, 15 का गाड़ी है, 25 तक इसका टैक्स भी पेड है, 25 तक पेड है, और ये सिंगल ओनर एकदम ओरिजिनल पिन में तो देख के तो लग ही रहा है, मतलब गाड़ी में कोई काम नहीं है, डेफिनेटली यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, ये ओरिजिनल पिन है ओनली,
और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतलब कलर जो है आपको रेड, मतलब ये चेरी रेड में मिलेगा आपको, ठीक है। कलर भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। हाँ, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा बोलो? इसका प्राइस आपको हो जाएगा 3,89,000। यस, 3,89,000 में जैस 15-25 तक टैक्स, बहुत ही अच्छा कंडीशन में। बहुत लोगों का पसंद होता है होंडा सिटी, होंडा जैस, होंडा एमएस, एक होंडा एमएस भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी पे। का चाहिए था पसंदीदा क्विड में, मेरा भी अच्छा लगता है ये गाड़ी लुक की वजह से, बहुत ही एग्रेसिव एकदम, मतलब क्या बोले, एकदम स्पोर्टी लुक में आता है ये क्विड। तो तुम्हें कैसा लगता है ये कार? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं बहुत कंफर्टेबल कार के लिए, ग्रे कलर का है, ग्रे कलर मेरा भी फेवरेट है एक्चुअली। तो आरएक्सटी मॉडल है? हाँ, आरएक्सटी मॉडल है, ठीक है। और ईयर क्या हो जाएगा? ईयर ये इसका टैक्स जो पेड है वो जुलाई तक है, ठीक है, जुलाई तक पेड है। 16 का गाड़ी है। तो ये गाड़ी है आरएक्सटी मॉडल में, 2016 का गाड़ी है, 21 तक इसका टैक्स वेट है। आरएक्सटी मॉडल बहुत ही अच्छा गाड़ी दिखने में लग रहा है। किलोमीटर ड्राइव है 47,302 किलोमीटर ओनली, मतलब सिर्फ 4-5 साल पुराना गाड़ी है। हाँ। इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस 2,45,000। 2,45,000 में मिल रहा है क्विड, बहुत ही बढ़िया है, ग्रे कलर में, बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी। यहाँ पे आ गया हुंडई का i10 जो कि रेड कलर का है और 2011 का है। 11 का है जी। और इसका टैक्स मतलब 21 में फेल है कि 26 तक पेड है? 26 तक, 5 साल तक कोई टेंशन नहीं है, आप लोग 5 साल तक ये आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल के लिए आपका नो टेंशन, रेड कलर का आएगा। और वेरिएंट? वेरिएंट आएगा ये आपका स्पोर्ट्स वेरिएंट है। हाँ, स्पोर्ट्स वेरिएंट है। किलोमीटर ड्राइव है 47,207 किलोमीटर। और ये भी फर्स्ट ओनर है? हाँ, फर्स्ट ओनर है, पेट्रोल कार है, ठीक है। और इसका प्राइस कितना हो जाएगा? इसका प्राइस हो जाएगा 2,39,000। 2,30,000 में, 39,000 में i10 मिल रहा है, वो स्पोर्ट्स वेरिएंट है, मतलब इसमें टस्किन पावर विंडो, मतलब ये सब आप लोग इंटीरियर ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है। टायर कंडीशन भी इसका बहुत ही अच्छा है, ऑलमोस्ट टॉप मॉडल में ये आता है एस्टा के पहले, स्पोर्ट्स मॉडल में i10 2,39,000 में। पोलो में चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी में। सिल्वर कलर का वरना मिलेगा आपको, 1.6 VTS वेरिएंट है और ये किलोमीटर ड्राइव है 46,300 ओनली। और ये आपको मतलब सर्टिफाइड कार मिलेगा, बहुत ही अच्छा है, अलॉय व्हील्स है, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है। इसका प्राइस हो जाएगा 5,30,000। 5,30,000 में मिल जाएगा वरना 16 का गाड़ी, 26 तक टैक्स पेड और सिल्वर कलर में, एकदम बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ये पेट्रोल है? पेट्रोल कार है, सिंगल ओनर का, ठीक है। ये है 1.4 CRDI वेरिएंट है और सिल्वर कलर का आएगा आपका ये, और इसका इंश्योरेंस वैलिड है, इंश्योरेंस भी इसका वैलिड है। तो ये वरना है 2013 का, 23 तक इसका टैक्स पेड है। और इसका प्राइस क्या होने वाला है? 3,79,000। 3,79,000 में CRDI डीजल इंजन है, बहुत ही अच्छा कंडीशन में, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, आप लोग जरूर देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हुंडई ओरा देखेंगे, 2020 का गाड़ी है, आप लोगों को पता ही, एकदम लेटेस्ट ये मतलब हुंडई का गाड़ी आया है, तो जो अभी कोलकाता कार बाजार में भी अवेलेबल है, तो इसका भी डिटेल्स जान लेंगे। 2020 का कार है, ठीक है, ओरा, ये आपका रेड कलर का आएगा और पेट्रोल कार है, 10,374 किलोमीटर ड्राइवन है, ठीक है। और ये आपको सर्टिफाइड मिलेगा कार, इसका पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग है। और इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस आएगा आपका 6,99,000। 6,99,000 में और बहुत ही बढ़िया है, चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी पे। तो नेक्स्ट गाड़ी, लास्ट गाड़ी आज का स्कोडा, व्हाइट कलर में, और स्कोडा ऑक्टेविया, ये कौन सी ईयर का है? 15 का कार है, ये है 15 का कार, 25 तक टैक्स पेड है, ठीक है। और ये TSI पेट्रोल इंजन है? हाँ, TSI पेट्रोल इंजन है। तो ये कितना किलोमीटर ड्रिवन है? अराउंड 50,000। अराउंड 50,000 किलोमीटर ड्रिवन है। तो इसका क्या प्राइस हो जाएगा आज लास्ट में? इसका प्राइस हो जाएगा 6,80,000 हो जाएगा। 6,80,000 में स्कोडा ऑक्टेविया, 15 का गाड़ी, 25 तक टैक्स। आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बहुत सारा और भी स्टॉक में है, इतना सारा एक वीडियो में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैं जाऊंगा सॉलिड वंस में, उधर भी कलेक्शन दिखाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीक पे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, मास्क जरूर पहनिए अगर बाहर जा रहे हैं तो। और पोलो में कुछ बताना चाहूँगे लास्ट में,
हाँ, दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग सभी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, और टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू योरसेल्फ, लव योरसेल्फ. बहुत ही बढ़िया है, इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं. पोलोमी को थैंक यू, और आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय.